हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग राज्य के बारे में पढ़ेंगे। लातूर जिला जो है महाराष्ट्र में है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह अंग है महाराष्ट्र का। विदर्भ जो है महाराष्ट्र का अंग है। पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में। झुमरी तलैया जो है झारखंड में है। भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतृण या वीड्स को और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों फ्लोटिंग आइलैंड पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं फुरमडी। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक को। कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट भी कहा जाता है। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है बंगलुरु में। सिलिकॉन वैली बंगलुरु में है और सिलिकॉन स्टेट जो है कर्नाटक को कहते हैं। अब हम लोग सुमेलन करेंगे। औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र में है। पालनपुर जो है गुजरात में है। हुबली कर्नाटक और गुंटूर जो है आंध्र प्रदेश में है। अब हम लोग सुमेलन करेंगे। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ मैदान है। झारखंड में छोटा नागपुर पठार है। महाराष्ट्र में वृष्टि छाया प्रदेश है। कर्नाटक में मिलनड है। अंबाला खुर्जा करनाल एवं रोहतक में से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है खुर्ज करनाल एवं रोहतक। दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है हरियाणा उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के भाग। मध्य प्रदेश की सीमा लगती है 5 राज्यों से। मध्य प्रदेश की सीमा जो है 5 राज्यों से लगती है, वो है राजस्थान गुजरात उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य हैं। सबसे बड़ा है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान जो है 4th है। भारत के राज्यों में हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड छत्तीसगढ़ और झारखंड का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम लिखेंगे हम लोग। तो पहले है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर हिमाचल प्रदेश और फिर उत्तराखंड। कर्नाटक राजस्थान तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र का उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता क्रम है राजस्थान महाराष्ट्र कर्नाटक तथा तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान एवं उत्तराखंड राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है उत्तराखंड। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये तीनों राज्य हैं राजस्थान मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है बिहार। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। असम घिरा हुआ है 7 राज्यों से। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है बिहार के साथ। दिल्ली, जोधपुर, नागपुर एवं बंगलुरु में से मध्य समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम है बंगलुरु की। राजस्थान के मरुक्षेत्र के लिए सही कथन है यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40-60% क्षेत्र में ही कृषि हेतु उपयुक्त है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चरागाह क्षेत्र के विस्तार का कुप्रभाव पड़ा हुआ है। उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। कौन नहीं है? पश्चिम बंगाल, जो 7 स्टेट्स कहे जाते हैं उसका भाग नहीं है पश्चिम बंगाल। वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी थी कुर्नूल। सबसे अधिक जिले कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 4 राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की सीमाएँ।
चार दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक की। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा छत्तीसगढ़। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, गुजरात की है गांधीनगर, राजस्थान की है जयपुर, अरुणाचल प्रदेश की है ईटानगर। भारत के 19वें राज्य तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, मिजोरम की है आइजोल। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बंगलुरु एवं गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है बंगलुरु। सही सुमेलन, असम की है दिसपुर, नागालैंड की है कोहिमा, मेघालय की है शिलांग। और अब हम लोग केंद्र प्रदेशों के, केंद्र शासित प्रदेशों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।